नमस्कार, गुड मॉर्निंग, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। सुर्खियां अखबार की हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और इस वक्त जो बड़ी खबर हाथरस को लेकर सामने आई थी, दरअसल हाथरस में सत्संग के बाद से अचानक भगदड़ देखने को मिली और 116 श्रद्धालुओं की घटना में मौत भी हुई। बिल्कुल, तो देखिए हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हादसा हुआ है और इस हादसे में अब तक 116 लोगों की जान जा चुकी है और 116 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। हालांकि फिलहाल प्रशासन मुस्तैद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक्शन लिया है इस मामले में। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए हर अखबार में इसे जगह दी गई है और हर एक अखबार में ये खबर सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो बड़ा हादसा हुआ ये बेहद दर्दनाक। ये देखिए, हाथरस में सत्संग के बाद भगदड़ मची, 116 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और जो परिजन हैं उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। सत्संग करने वाले स्वयंभू बाबा नारायण साकार विश्व हरि के दर्शन को देखने के लिए, उनकी दर्शन करने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है पहुंचे थे। सुरभि, तो बिल्कुल देखिए जिस तरीके से मेरी सहयोगी पूजा ने बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में जिस वक्त ये हादसा हुआ, अब हर न्यूज़पेपर पर फ्रंट पेज पर इस वक्त ये खबर है। और क्योंकि बहुत बड़ी खबर है ये, धार्मिक समागम के दौरान में अचानक से भगदड़ मची थी जिसमें कम से कम 116 लोगों की जान जाने की अब तक पुष्टि हुई है। बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार ने कहा कि सत्संग में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की संख्या प्रशासन द्वारा अनुमति जो मिली थी उसके आधार से ज़्यादा थी। सरकार ने एक बयान में कहा, आयोजन स्थल पर उपस्थित लोगों की संख्या प्रशासन द्वारा अनुमत सीमा से ज़्यादा थी। तो वही जिसके कारण भोले बाबा के सत्संग के दौरान ये भगदड़ मच गई। दरअसल जल्दबाजी बताई जा रही थी कि जिस वक्त ये कार्यक्रम समाप्त हुआ उसी वक्त लोगों में होड़ मच गई कि उन्हें पहले जाना है और ये वो कारण बना भगदड़ को लेकर जिस वजह से ये हादसा हुआ। बिल्कुल, देखिए तमाम एंगल्स इस मामले में ज़रूर आए सुरभि। जहां एक तरफ बात ये हो रही थी कि लोग जो है जब बाबा वहां से निकले तो उनके चरण को स्पर्श करने के लिए उनकी ओर भागे, वहीं दूसरी तरफ बात ये की जा रही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उमस काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए जब एक महिला अचानक से गलती से गिरी तो एक के बाद एक लोग उनके ऊपर चढ़ते चले गए और इसी तरह यह हादसा हुआ। तो वहीं दूसरा एंगल अब ये सामने आ रहा है कि लोग जो है जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ सबको लगा कि अब इस गर्मी से निकलना है और ऐसे में एकाएक बारी बारी से लोग ना निकलकर एक साथ निकलने की कोशिश करते नजर आए, जिस कारण भगदड़ मच गई और यह बड़ा हादसा हुआ। 116 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। बिल्कुल, तो वहीं साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इस कार्यक्रम के आयोजक रहे, जो समिति के लोग थे, उनके तरफ से पूरी व्यवस्था नहीं की गई थी निकासी को लेकर के और मात्र एक ही रास्ता था आने और जाने को लेकर, जिस वजह से भी ये बहुत बड़ा हादसे में तब्दील हो गया ये कार्यक्रम। और जिस वक्त इस समिति के जो कार्यकर्ता थे, बताया जाता है कि भोले बाबा का कार्यक्रम जहां जहां भी आयोजित होता है वहां पर लगभग 12,000 के करीबन उनके कार्यकर्ता काम करते हैं, लेकिन सवाल इस वक्त उन पर भी खड़े हो रहे हैं कि जब पता है कि आपके आयोजन में अगर इतने तादाद में लोग आते हैं तो व्यवस्थाएं पहले से उस प्रकार की क्यों नहीं की गई थी, पहले से व्यवस्थाएं दुरुस्त क्यों नहीं रखी गई थी। बिल्कुल, देखिए और वैसे भी प्रशासन की ओर से राहत राशि का ऐलान जरूर किया गया, लेकिन इससे पहले खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लिया है। आज ठीक 11 बजे वो हाथरस भी जाएंगे जहां पर घटना घटी है, उस घटना स्थल पर भी जाएंगे और उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो जहां अस्पतालों में फिलहाल लोगों को भर्ती कराया गया है या फिर जहां पर जो शव है वो पहुंचाए गए हैं वहां जाकर पीड़ित परिजनों से वो हालचाल भी जानेंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे। और साफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक शब्दों में ये कह दिया है कि जो भी इस मामले में आरोपी है या जिसकी भी गलती है उसे बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, लेकिन फिलहाल पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और कल सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे के होने के बाद दुख जताया था।
बिल्कुल। तो वहीं दूसरी ओर सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे यूपी सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण और उसके बाद एक एक करके नेताओं की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आई और साथ ही योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की जानकारी मिली है। लेकिन अब सुबह 11 बजे तक का इंतजार है जब योगी आदित्यनाथ खुद वहां पहुंचेंगे, मौके पर पहुंचने के साथ जायजा लेंगे वो, क्योंकि बीते कल भी उन्होंने सबसे पहले एक और जहाँ टीम तैयार किया था और टीम गठित करने के बाद से उन्हें भेजा था घटनास्थल पर। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार योगी आदित्यनाथ से फोन बातचीत कर भी जानकारी हासिल कर रहे थे और सबसे पहले एक झलक हमने तब देखी थी जिस वक्त संसद में वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वो बोल रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे इस बात की उनको सूचना मिली उन्होंने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की और साथ ही पीड़ित के परिजनों तक हर मदद मुहैया कराने की भी उनको आश्वस्त किया और ये कहा कि उन तक हर प्रकार की मदद पहुंचाई जाएगी। बिल्कुल देखिए, लेकिन सुरभि एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह एक बड़ा आयोजन किया गया था, सबको मालूम था कि बाबा जब भी आते हैं लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं और कहीं ना कहीं जब किसी भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है अमूमन तौर पर तो हम उस जगह उस स्थल का निरीक्षण जरूर करते हैं कि आखिर वहां पर क्या प्रबंध किए जा सकते हैं, क्या इंतजाम होने चाहिए ताकि जब लोग वहां पर पहुंचे तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत या परेशानी ना हो। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस एरिया में जिस जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वहां इतना प्रबंध या कह सकते इतना स्पेस नहीं था कि लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच जाए या फिर वहां बैठकर बाबा का सत्संग वो सुन पाए, लेकिन बावजूद इसके वहां पर जब लोग पहुंचे तो प्रशासन की ओर से जो अनुमति दी गई लोगों को अंदर जाने की वो काफी गलत था। ऐसा अगर नहीं होता तो शायद इस घटना को होने से रोका जा सकता था। बिल्कुल, इस वक्त बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि लाजमी है कि जिस तरीके से जाने गई है और जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों खोया है उन पर इस वक्त क्या मनोस्थिति होगी, उनकी क्या बीत रही होगी, ये इस वक्त कोई समझ नहीं सकता है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर हमने बीते कल देखी थी, भगदड़ के बाद से शव का अंबार लगना, अस्पतालों में शव को लाद करके टेम्पोज में या ट्रैक्टर्स में लाद करके लेकर के पहुंचा जा रहा है, तो ऐसे में वो बेहद ही चिंताजनक तस्वीरें थी, दिल दहला देने वाली थी। और ऐसे में यही वो सवाल उठते हैं कि अगर कहीं पर भी धार्मिक आयोजन होते हैं इस प्रकार के तो फिर जो सीमा तय की जाती है कि इतनी संख्या में ही लोगों को अनुमति दी जाए, लेकिन उसके बावजूद हर बार ये देखा गया है कि ऐसे धार्मिक स्थानों में हमेशा संख्या बल से ज्यादा लोग पहुंचते हैं, बड़ी तादाद हो जाती है श्रद्धालुओं की और ऐसे में उन्हें कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर वो आयोजन इस प्रकार के हादसों का रूप ले लेता है। बिल्कुल, देखिए पीड़ित परिजनों पर मानो दुख का पहाड़ टूट चुका हो सुरभि, क्योंकि सुबह से लगातार इस खबर पर हम अपडेट भी ले रहे हैं। हमारे दो सहयोगी जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि कुछ शव तो ऐसे हैं जिनकी पहचान तक नहीं हो पा रही है, शिनाख्त तक नहीं कर पा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, कभी अस्पताल तो कभी जहां घटना घटी थी वहां, ताकि उनका जो अपना है वो उन्हें मिल जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हादसे में छोटे मासूम बच्चे जो हैं वो भी इसका शिकार हो गए, लगभग 3 साल की एक बच्ची जिनके परिजन उन्हें लगातार ढूंढ रहे हैं लेकिन बच्ची का कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि आखिर बच्ची गई तो गई कहां, बच्ची के साथ हुआ क्या। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि परिजन जब इतना ज़्यादा परेशान है, प्रशासन जो अब लगातार इस घटना के बाद कोशिश कर रहा है लेकिन इस प्रयास का कोई हम कह सकते हैं कि लोगों तक प्रभाव पड़ता नज़र अभी तक नहीं आ रहा है, क्योंकि अपनों को खो देने का गम, चाहे वो लोगों की खुद की गलती से हो या फिर किसी और की गलती से हो, लेकिन अपनों को खोने का गम लोगों की आँखों में आप कल हादसे के बाद से साफ देख पा रहे होंगे। तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि हाथरस में जो हादसा हुआ इसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया और शत विशत हालत में जिस तरीके से कई शव मिले तो उनकी पहचान इस वक्त बेहद मुश्किल हो चुकी है। लगातार उनके परिवारों के बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है और इस पर अपडेट्स अभी भी आने बाकी हैं। बिल्कुल, अब देखिए क्योंकि लगातार अभी भी जो घायल है उनका उपचार किया जा रहा है, अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती है, क्या जानकारी निकलकर सामने आती है और क्या सख्त कार्रवाई अब यूपी सरकार द्वारा की जाती है। फिलहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं अगली खबर का। पीएम मोदी ने लोकसभा में विपक्ष पर निशाना साधा, कहा सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को किया जा रहा है बदनाम। तो अमर उजाला अखबार में इसे जगह दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक खास तरह के इकोसिस्टम ने देश को 70 साल तक लूटा है,
मैं इस इकोसिस्टम को चेतावनी देना चाहता हूँ, ये चाहते हैं कि देश के विकास को रोक देंगे। मैं बता देना चाहता हूँ उनकी हर साजिश का जवाब उन्हीं के भाषण में मिलेगा। तो बिल्कुल हिंदू समाज को सोचना होगा, ये अपमान संयोग है या प्रयोग, और कांग्रेस अराजकता में झोंकने की साजिश रच रही है। ये अमर उजाला का अखबार आप देख रहे हैं, जहां पर इस पूरे कैप्शन के साथ में इस तस्वीर को भी साझा किया गया है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस वक्त संसद में बोल रहे थे तो हिंदू वाले बयान को लेकर के राहुल गांधी को उन्होंने घेरा है। दरअसल राहुल गांधी ने संसद में जो बयान दिया था और ये कहा था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसा हिंसा नफरत नफरत करते हैं, जिस पर उसी वक्त उन्हें टोकते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी। और अब जब इसी धन्यवाद प्रस्ताव पर वो बोलते हुए नजर आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से इस बात को लेकर के कटाक्ष किया कि हिंदू समाज को यह सोचना होगा ये अपमान संयोग है या फिर प्रयोग। बिल्कुल देखिए, और फर्जी जीत का जश्न मनाने के बजाय आत्मचिंतन करे कांग्रेस, ये बात कही गई। देखिए लगातार जब परसों राहुल गांधी गरजे थे और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की गई थी, उस दौरान राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर जिक्र किया था और साफ कहा था कि बीजेपी आरएसएस हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, और इस बयान का विरोध लगातार हर एक सत्ता पक्ष के नेता ने किया था, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। ऐसे में कल भर का और इंतजार था कि पीएम मोदी आएंगे तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे, और ना केवल जवाब देंगे बल्कि विपक्ष को भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम वो करेंगे। ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि जो जीत आपको मिली है इस जीत का जश्न मनाने की बजाय आप इस पर आत्मचिंतन कीजिए कि आखिर आप जीत के बावजूद सरकार क्यों नहीं बना पाए, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सब कुछ जो भी मुद्दे उठाए गए सदन में ये सब कुछ सुनियोजित था और इसके जरिए विपक्ष लाख कोशिश कर ले लेकिन फिर भी जनता जनार्दन उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी। तो वहीं दूसरी ओर देखिए लगातार विपक्ष की तरफ से इस बात को मुद्दा जरूर बनाया जा रहा है, और खासतौर पे जब संसद में राहुल गांधी ने बोला उसके बाद कई ऐसे नेताओं की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आई, अखिलेश यादव भी जिनमें से एक थे, और उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर इस प्रकार से सरकार का नाम आगे आता है और सरकार बनती है किसी की तो ये हारी हुई सरकार है, मात्र नाम की सरकार है, ये कभी भी लड़खड़ाकर गिर सकती है। तो ऐसे में जब ऐसी प्रतिक्रियाएं आती हैं इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष को आपत्ति तो इस बात पर होगी क्योंकि हमें तीन बार जनता की तरफ से प्यार मिला है, स्नेह मिला है, जिसके आधार पर हमने अपनी तीसरी बार सरकार बनाई है और आगे भी हमारी सरकार इसी तरह जनता के लिए काम करती रहेगी और हम दोबारा लौट कर आएंगे। बिल्कुल देखिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिभाषण का इंतजार आज भी है, आज भी हम आपको दिखाएंगे क्या क्या सदन में किस तरह से गरजेंगे पीएम मोदी और विपक्ष किस तरह से उन्हें घेरने का काम करेगा। बहरहाल खबरों में बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का सुर्खी। तो लोकसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया था, कहा कि अगर 80 सीटें भी जीत जाते तो ईवीएम पर सवाल उठाते। बिल्कुल देखिए, और यादव ने कहा कि ईवीएम पर मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है, मैं अगर 80 की 80 सीटें भी जीत जाऊं तो भी मैं ईवीएम पर सवाल खड़े करता रहूंगा। अखिलेश यादव ने ये बयान दिया था। हालांकि उनका ये बयान बेहद महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अब वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में हैं और मजबूत विपक्ष के तौर पर लगातार हर मुद्दे को उठाने का काम जो है वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना था कि ईवीएम को लेकर 80 की 80 सीटें अगर मैं जीत भी जाऊं तो भी मेरा सवाल नहीं रुकने वाला है, मैं सवाल ईवीएम पर तब भी उठाता रहूंगा। तो देखिए, ये दैनिक जागरण में खबर छपी है जिसे जगह दी गई है, यहाँ आप देख पाएंगे उत्तर प्रदेश की 80 सीटें भी जीते तो भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करते। अखिलेश यादव सपा प्रमुख जिनकी ओर से ईवीएम पर सवाल उठाए गए, और ना केवल सवाल उठाए गए बल्कि ये कहा गया कि ईवीएम पर भरोसा न कल था न आज है न आगे होगा। और साथ ही देखिए, ईवीएम को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार इस तरह निशाना साधता रहता है।
चाहे वो विपक्ष में राहुल गांधी हो, चाहे वो विपक्षी कोई भी पार्टी हो, ईवीएम को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। और एक बार फिर से अखिलेश यादव ने सदन में अपनी आवाज को बुलंद किया। लोकसभा में मंगलवार को कार्यवाही के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी सदस्य अवधेश प्रसाद दोनों विरोध करते नजर आए। दोनों ने कहा कि ईवीएम पर भरोसा हमें नहीं होने वाला है। बिल्कुल, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से हमेशा उनका स्टैंड रहा है कि अगर कभी भी उनकी सरकार सत्ता में चुन करके आती है तो सबसे पहले वो ईवीएम के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे, जिस बात का जिक्र अखिलेश यादव ने एक बार फिर से संसद के भीतर किया था। और जिस वक्त वो अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने ईवीएम के मुद्दे पर एक बार फिर से खुल करके बोला। आपको याद होगा कि कैसे एलन मस्क की तरफ से जिस वक्त ट्वीट सामने आया था ईवीएम को लेकर, उस वक्त भी विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया था और साथ ही घेरने की कोशिश भी की थी। लेकिन वहीं ईवीएम को लेकर के अखिलेश यादव की जब बात आती है तो अखिलेश यादव खुले तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि चाहे हम जीते या चाहे हम हारे, लेकिन ईवीएम पर ना तो मुझे कल भरोसा था और ना आज भरोसा है, ना आने वाले दिनों में मुझे इस पर भरोसा होगा। और यही कारण है जिस वजह से ईवीएम को हम पूरी तरीके से समाप्त करना चाहते हैं और इसके खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी। तो देखिए, उन्होंने कहा, मैंने चुनाव से पूर्व प्रचार के दौरान कहा था कि ईवीएम से जीतकर ईवीएम हटाने का काम करेंगे। ईवीएम का मुद्दा मरा नहीं है और ना ही खत्म हुआ है। तो एक बार फिर से अखिलेश यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विपक्ष जो है ईवीएम का मुद्दा सिर्फ चुनावी प्रचार के लिए या फिर चुनावी जीत और हार के लिए नहीं उठाती है, बल्कि अगर मैं जीत भी जाता तो भी ईवीएम मेरे लिए, विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा रहता, और अगर मैं कल को जीत भी जाता हूं तो भी ईवीएम पर सवाल खड़े करता रहूंगा और उसे हटाने का काम मैं करूंगा। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो संसद के रिकॉर्ड से हटाए गए राहुल गांधी के भाषण के अंश को लेकर इस वक्त राहुल गांधी खासतौर पर गुस्से में नजर आते हैं। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि ये खबर आज अखबार के पन्नों में भी आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए, और राहुल गांधी के संसद में जो भाषण थे उसके अंश को हटा दिया गया है, जिसका विरोध जमकर किया जा रहा है कांग्रेसियों की ओर से। और साफ तौर पर जो विरोध है वो इसलिए भी देखने को मिल रहा है क्योंकि इस बार तीखे हमले किए हैं सत्ता पक्ष पर राहुल गांधी ने और उनके अंश को हटाने का काम किया गया। अब इसका विरोध लगातार कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। दैनिक जागरण ने इस खबर को जगह दी है, हालांकि ये भी एक बड़ी खबर है अपने आप में और तमाम अखबारों ने इसे तरजीह जरूर दी है। लेकिन फिलहाल हम आपको दैनिक जागरण की खबर दिखा रहे हैं जहाँ संसद के खिलाफ जो बयान दिया गया था, माफ कीजिएगा, सत्ता पक्ष के खिलाफ, उसको लेकर राहुल गांधी के जितने भी बयान थे, जो भी उन्होंने भाषण दिया था, उस क्लिप को हटाने का काम किया गया है संसद के रिकॉर्ड से हटाए गए राहुल गांधी के भाषण के अंश। और देखिए, बीजेपी संघ के हिंदुत्व पर हमले बोले गए थे राहुल गांधी की ओर से और इस टिप्पणी को लोकसभा अध्यक्ष ने हटा दिया है। वहीं नाराज राहुल ने स्पीकर को पत्र लिखा है, बोला, मेरे विचारों को कार्यवाही से हटाना बिल्कुल गलत है। यानी यहां भी कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष जो है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो देखिए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और संघ के साथ पीएम मोदी पर तीखा हमला किया था संसद में। तो सत्ताधारी बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताते हुए स्पीकर से इन अंशों को निकालने की मांग की थी, जिसके बाद से कुछ अंश उनके भाषण से हटा दिए गए और इसे रिकॉर्ड में शामिल करवाने के लिए राहुल गांधी अब आगे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि मेरे भाषण में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे किसी को तकलीफ हो, तथ्यों पर बात की गई है और उस अंश को दोबारा से रिकॉर्ड में लाया जाना चाहिए। बिल्कुल, और साफ राहुल गांधी ने ये कहा है कि ये मेरे अपने विचार हैं, मैं अपना विचार सदन में रख सकता हूँ। कार्यवाही के दौरान प्रत्येक व्यक्ति या कह लीजिए कि हर एक सांसद बिल्कुल आज़ाद है अपनी बात को रखने के लिए, ताकि जनता के मुद्दों को निष्पक्ष तरीके से उठाया जा सके। और राहुल गांधी का ये कहना है कि मैंने भी यही किया था, मैंने सिर्फ उन्हीं तथ्यों पर उन्हीं बातों का जिक्र किया था जो सच है। अब ऐसे में
उनके भाषण के अंश को हटाने पर विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है, खुद राहुल गांधी भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके जो अभिभाषण हैं, उनकी जो वो क्लिप्स जो हटाई गई हैं, उसे वापस लाया जाए, क्योंकि ये किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी, बल्कि ये मेरे खुद के विचार थे जो भी मैंने सदन में कहा। बहरहाल बढ़ते खबरों में आगे, राज्यसभा में भिड़े खड़गे और धनखड़। सभापति ने कहा ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं देखिए, जिस तरीके से जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में ये छोटी सी नोकझोंक जैसी स्थिति आपको देखने को मिली, तो वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो दैनिक जागरण के पृष्ठ 2 पर इस वक्त छपी हुई आपको नजर आएगी। बिल्कुल, देखिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जो आपने कल सदन के कार्यवाही के दौरान देखा भी होगा। मामला यहां तक बढ़ गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उपराष्ट्रपति पर वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देने का आरोप तक लगा दिया। तो संसद में इस तरीके की स्थिति आप अक्सर देखते होंगे, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष की तरफ से कोई बात रखी जाती है तो उसमें विपक्ष लगातार कटाक्ष करने की भी कोशिश करता है, और साथ ही उन्हें घेरने के लिए कई मुद्दों को उठाया जाता है संसद में। और ठीक इसी प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ मुद्दों को गिनाने की ख्याल से उन्होंने संसद में कई अपनी बातों को रखा था पटल पर, लेकिन उस पर जब जगदीप धनखड़ के साथ उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि आप इस तरीके से कुछ भी नहीं कह सकते हैं, तो उनके बीच थोड़ी नोकझोंक जैसी स्थिति भी नजर आई थी। बिल्कुल, देखिए, सभापति धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बीच ये तकरार तब हुई जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में चर्चा चल रही थी, और इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी बोल रहे थे। उन्होंने सरकार पर जनता को लूटने और अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था, और इस पर धनखड़ ने उन्हें टोका और कहा कि वो जो भी कह रहे हैं उसका कोई प्रमाण नहीं है। और यहीं से जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच बहस शुरू हुई थी। वो कोई जवाब देते इससे पहले जयराम रमेश ने सभापति को इसके लिए टोक दिया, और इस पर सभापति ने सख्त लहजे में कहा, मुझे लगता है कि जयराम ज्यादा बुद्धिमान और ऊर्जावान है, उनका शीर्ष नेतृत्व यहाँ मौजूद है, ऐसे में उन्हें खड़गे जी की जगह ले लेनी चाहिए। और जैसे ही यह बयान दिया गया, तुरंत इसका खंडन किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और वहीं से तीखी प्रतिक्रिया जो है, टिकट टिप्पणी जो है, वो शुरू हुई। खबरों में बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं अगली खबर का सभी। तो देखिए, सीएम अरविंद केजरीवाल की शिकायतों पर दिल्ली हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और सीबीआई को जारी किया गया एक नोटिस। दरअसल यह खबर जुड़ी हुई है हिंदुस्तान टाइम्स में, यह खबर है, और तो हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर को अगर आप देखेंगे गौर से, तो ये अंग्रेजी अखबार है जिसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ आपको नजर आएगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट के खिलाफ में एक और पीआईएल दाखिल करने का जिक्र मिलता है। और ये वो खबर है जहां अरविंद केजरीवाल के बारे में खबर छपी हुई है। केजरीवाल की सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को नोटिस जारी किया, और कोर्ट ने 7 दिनों के भीतर ही उनसे जवाब दाखिल करने को भी कहा है। तो फिलहाल इसमें यह भी बताया जाता है कि दिल्ली हाईकोर्ट में पूरा मामला चल रहा था और इसी के खिलाफ एक और नोटिस जारी किया गया है सीबीआई के खिलाफ में, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर क्योंकि लगातार सलाखों के पीछे चल रहे हैं, उनसे जुडिशियल कस्टडी भी उनकी ली गई थी, उनसे पूछताछ हो रही है मामले में, लेकिन इसे बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से अवैध तरीका बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई के लिए तय की है। सीबीआई ने कोर्ट की अनुमति के बाद सीएम को 26 जून को गिरफ्तार किया था। तो फिलहाल देखिए, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि अब अगली तारीख मिल गई है, 16 जुलाई वो तारीख होगी जब मामले में फिर से सुनवाई होगी। बहरहाल तब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल के सलाखों के पीछे ही रहना होगा। देखिए, सीबीआई ने फिलहाल जो मांग की थी उस आधार पर कोर्ट ने 12 जुलाई तक
अरविंद केजरीवाल की कस्टडी जो है वो सौंप दी है, और ऐसे में अब सुनवाई की तारीख को जब आगे बढ़ाया गया तो लाजमी सी बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब फिलहाल तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां स्वाति मालीवाल ने सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है, महिला आयोग को खत्म करने का आरोप लगाया है, और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, स्वाति मालीवाल की ओर से ये चिट्ठी लिखी गई है। तो फिलहाल देखिए, स्वाति मालीवाल की तरफ से इससे पहले भी इन बातों का जिक्र किया गया है कि कैसे महिलाओं को लेकर के जब मुद्दे उठाने की कोशिश दिल्ली के DCW की तरफ से की जाती है तो वहां पर इसी प्रकार की स्थिति नजर आती है। और बिल्कुल अब ये आरोप भी उनके तरफ से लगाया गया है कि DCW को काम नहीं करने दिया जा रहा है और उसे पूरी तरीके से खत्म करने पर तुल चुकी है सरकार। बिल्कुल देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। स्वाति मालीवाल जो है पहले महिला आयोग की जिम्मेदारी वो संभाल रही थी, महिला आयोग में लगातार उन्होंने कई ऐसी परेशानियां हैं महिलाओं की जिसे खत्म करने का काम किया था। जब वो राज्यसभा की सांसद बनी तब से उन्होंने महिला आयोग की जो जिम्मेदारी संभाल रही थी उसे अलविदा कह दिया, जिसके बाद एकाएक उनके साथ जो घटना घटी इस पर अब वो मुखर होकर सामने आ गई हैं। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी है, जिस चिट्ठी में उन्होंने जिक्र किया महिला आयोग को खत्म करने का और आरोप लगाया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। आपको बता दें कि स्वाति मालीवाल जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, और ऐसे में आम आदमी पार्टी का हिस्सा होते हुए भी उनकी ओर से जो आरोप लगाए गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर महिला आयोग को खत्म करने का, वो बेहद गंभीर, अपने आप में बेहद संगीन, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और इस मुश्किलों में कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ाती नजर आ रही हैं। तो स्वाति मालीवाल ने इससे पहले भी जिस तरीके से आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उनके साथ में बदसलूकी की गई थी, और अब वो ये आरोप लगा रही हैं कि महिला अध्यक्ष होने के नाते अगर वो कार्य करना चाह रही है तो उनके कार्य में अड़चनें पैदा की जा रही है, रुकावट डालने की बार बार कोशिश की जा रही है, और वो DCW को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल देखिए, मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आग्रह किया है कि वो 181 महिला हेल्पलाइन नंबर के बंद होने और आयोग DCW के व्यवस्थागत शरण पर ध्यान दें और जरूरी कदम उठाए। उन्होंने केजरीवाल को पत्र लिखा है जिसमें इस बात का जिक्र किया है। तो सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखे इस पत्र में मालीवाल ने DCW के समक्ष आ रही कई समस्याओं का जिक्र भी किया, और जिनमें की धन की कमी, बजट में कटौती और कर्मचारियों को हटाना भी शामिल बताया गया। जबकि मालीवाल ने पत्र में कहा था कि DCW प्रमुख का पद तब से खाली पड़ा है जब से उन्हें आम आदमी पार्टी द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। बिल्कुल, अब चले रुक करते हैं आगे। लागू हुए नए कानूनों पर CJI चंद्रचूड ने बयान दिया है, कहा है कि कानूनों पर अभी बोलना जल्दबाजी होगी। तो देखिए, 1 जुलाई से जो नए कानून लागू किए गए हैं इसको लेकर CJI चंद्रचूड की ओर से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि इन कानूनों पर टिक्का टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी। तो दरअसल 3 नए क्रिमिनल कानूनों को लेकर के CJI DY चंद्रचूड़ ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नए कानूनों का मुद्दा अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित है और इसलिए इस मामले पर कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये नए 3 क्रिमिनल कानून को लाया गया और तब से ही विपक्ष इसमें भी कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही ये भी कहा गया था कि सत्ता पक्ष की तरफ से जिस वक्त इस कानून को लाया गया उस वक्त कोई राय मशवरा नहीं हुआ था, कोई चर्चा नहीं हुआ था, जिसके बाद अमित शाह ने इस पर खुलकर के अपनी बात रखी थी और गृह मंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि सुझाव हर एक सदस्य से लिए गए थे जिनसे लेने जरूरी थे, तो ऐसे में सुझाव के आधार पर नए कानूनों में बदलाव किए गए थे। बिल्कुल देखिए, और इससे जगह दी गई है दैनिक जागरण में, हालांकि ये भी अपने आप में एक ऐसी खबर जो लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू किए गए हैं, कई धाराओं में बड़ा बदलाव किया गया। ऐसे में CJI चंद्रचूड़ ने कहा है कि नए कानून पर कुछ भी बोलना अभी ठीक नहीं है, ये काफ़ी जल्दबाजी होगी। CJI ने जिला कोर्ट के 3 नए भवनों का शिलान्यास किया, जिस दौरान उन्होंने ये बयान दिया, कहा सुप्रीम कोर्ट ने जल्द इसे
शुरू किया जाएगा, यानी कि इस पर उपयोग जो है वो शुरू किया जाएगा। कई ऐसी धाराएं हैं जिन्हें बदल दिया गया है, क्योंकि इस बार सुरभि सरकार की कोशिश ये नहीं है कि लोगों को दंड दिया जाए, बल्कि सरकार की कोशिश इस बार ये है कि इन तीन नए कानून को लाने के बाद, कई धाराओं को बदलने के बाद, लोगों को या अपराधियों को दंड देने की बजाय उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, इस पर पूरा फोकस किया गया है। बिल्कुल, यानी कि अगर किसी का क्रिमिनल माइंड है, पहली बार या फिर कोई किसी प्रकार का क्राइम करता है, तो उसे एक मौका जरूर दिया जाना चाहिए सुधार का, उसकी मनोस्थिति को समझने के लिए कि आखिर उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है, उसकी स्थिति इस वक्त मानसिक तौर पर कैसी है, उसने अगर ये क्राइम कमिट किया तो क्यों किया, और इस आधार पर उसे सजा दी जानी चाहिए, जिससे कि उसे एक मौका जरूर मिल जाए। क्योंकि अगर कड़ी सजा पहली ही दफा अगर किसी को दे दी जाए तो फिर उसकी मनोस्थिति और ज्यादा बदतर होती है, और फिर वो उससे बड़े क्राइम कमिट करने की सोचता है, वो विचार करता है। बिल्कुल, देखिए सरकार ने साफ तौर पर, हम कह सकते हैं कि जो गंभीर अपराध है, यानी कि जो बड़े अपराध है, उनको लेकर बेशक से सजा का जो प्रावधान है उसे बढ़ाया है, लेकिन जो छोटे मोटे अपराध है उसे लेकर अपराधियों को हल्की सजा देने का प्रावधान रखा गया है। और वो सिर्फ इसलिए, जैसा कि सुरभि ने भी जिक्र किया, कि जेल जाने के बाद एक बार कोई भी छोटे से छोटा अपराध करने वाला अपराधी या व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो बड़ा अपराध और एक अपराधी के रूप में बाहर निकलता है, ऐसे में इस पर अंकुश पाने के लिए, नियंत्रण के लिए ये फैसला लिया गया है। तो वही खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात मौसम विभाग से जुड़ी हुई भी करेंगे, क्योंकि एक रिपोर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है, जो कि आज से 8 तक के लिए बारिश के आसार जाहिर किए गए हैं, और इस खबर को जगह दी गई है अमर उजाला अखबार में। और साथ ही हम आपको देखिए, तो आज बारिश को लेकर जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, समय से 6 दिन पहले ही पूरे देश पर छा चुका है घना बादल। आमतौर पर ये 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर करता है, और ऐसे में मंगलवार को राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के बचे हुए हिस्से को भी इसने भिगो दिया। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में मंगलवार शाम हुई बारिश ने असम से लोगों को जो राहत है वो उमस से राहत दी है। आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं, मौसम काफी सुहाना बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में अच्छी बारिश ने उमस से लोगों को राहत दी है। तो देखिए, लेकिन लगातार जिस तरीके से इस वक्त मानसून को लेकर के खबरें मिल रही हैं, और इसी को लेकर अब मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है कि लोगों को पहले से अलर्ट रहने की जरूरत है, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में। बिल्कुल, खबरों में बढ़ते हैं आगे। बिहार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है बिहार सरकार, और 65% आरक्षण रिस्टोर करने की मांग की गई है। तो फिलहाल द हिंदू के अखबार में आपको ये खबर देखने को मिलेगी, जहां बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें कि उसने संशोधित आरक्षण कानून को रद्द कर दिया था, और इन कानूनों के जरिए नीतीश सरकार ने वंचितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% तक कर दिया था। तो बिहार सरकार के इस फैसले पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश बिहार गवर्नमेंट की तरफ से की गई है, क्योंकि उनके इस आरक्षण देने को लेकर के इस पर कई सारे बड़े सवाल खड़े किए गए थे, और जो 65% आरक्षण का मुद्दा रहा था उसे अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और उसे सही ठहराया गया है। बिल्कुल, देखिए बिहार सरकार ने फिलहाल हाई कोर्ट की ओर से जो फैसला आया था उसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, और साफ तौर पर जो 65% आरक्षण को बढ़ाया गया था, किया गया था 50% से बढ़ाकर 65 पे पहुंचाया गया, इसको लेकर हाई कोर्ट ने कहा था कि ये खत्म किया जाएगा, लेकिन अब इसे लेकर जो बिहार सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुकी है। खबरों में बढ़ते आगे, जहां भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें, इसी साल $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी भारत अर्थव्यवस्था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये खबर आप अगर देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो फिर दैनिक जागरण की पृष्ठ 8 पर आपको ये खबर नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने वैश्विक विकास दर को पीछे छोड़ते हुए
इस साल जीडीपी के 4 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान जताया है। और सान्याल ने यह भी कहा है कि इस साल भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन है, हो सकती है, और साथ ही बहुत जल्द ही हम उस ऊंचाई पर भी पहुंचेंगे। और ये वो खबर है जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। और ये भी हम आपको जानकारी दे दें कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, जापान की अर्थव्यवस्था को टक्कर देगी, तो यहाँ पर आपको वो खबर देखने को मिल जाएगी। बिल्कुल, देखिए जापान की बराबरी करने के लिए भारत तैयार है। और जब हम जापान की बात करते हैं तो देखिए आर्थिक रूप से जापान काफी आगे है, और ऐसे में हर तरीके से जापान को टक्कर देने के लिए भारत भी तैयार है। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे सभी। तो वहीं हिंडनबर्ग ने कोटक महिंद्रा बैंक पर गंभीर आरोप लगा दिया। अडानी को फायदा पहुंचाने का आरोप हिंडनबर्ग रिपोर्ट की तरफ से लगाया गया है। दरअसल हिंडनबर्ग एक ऐसी संस्था है जो कि साल में कई रिपोर्ट्स जारी करती है, और यही वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है जिसने अडानी ग्रुप को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि उस वक्त हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आई थी और अडानी पर कई बड़े आरोप लगे थे। और अब ये हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में भी अब इस बार सेबी को लेकर के टारगेट किया गया, और ये कहा गया है कि सेबी ने हिंडनबर्ग फर्म पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अडानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट को छापने से पहले किंडगन कैपिटल मैनेजमेंट नाम की एक कंपनी को दी थी, और किंडगन ने ही इसका इस्तेमाल अडानी के शेयर के खिलाफ दाव में खेला था, जिसके बाद ये रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। आज भारत पहुंचेगी टीम इंडिया, कई दिनों से खराब मौसम के कारण फंसी हुई थी टीम इंडिया। और दैनिक जागरण में इस अखबार को जगह दी खबर को जगह दी गई है जहां भारतीय क्रिकेट टीम ने बारबाडोस की सरजमी पर दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर T20 वर्ल्ड कप जीत लिया था। तो T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता था, और उसके बाद अब वापस आ रही है टीम इंडिया, भारत वापस आने जा रही है टीम इंडिया। तो बिल्कुल, देखिए बताया जा रहा था कि बारबाडोस में जिस तरीके से T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीत हासिल की इसमें, और उसके बाद मौसम खराब होने के चलते टीम इंडिया लंबे समय से वहां फंसी हुई है, और इसके बाद अब यह खबर मिल रही है कि BCCI की तरफ से जो चार्टर्ड प्लेन से क्रिकेट टीम को वापस लाने की बात कही गई थी, अब उन्हें जल्द वापस लाया जाएगा। 2024 का खिताब भारत ने अपने नाम किया था, जिसके बाद से बारबाडोस में फंसी हुई थी टीम, लेकिन आज स्वदेश पहुंचेगी विश्व विजेता टीम, यानी इंडियन क्रिकेट टीम को स्वागत को लेकर के हर कोई उत्साहित है कि कब वो अपनी सरजमी पर वापस लौटे, भारत वापस लौटे और उनका जोरदार स्वागत किया जाए। बिल्कुल, देखिए 29 जून शनिवार को रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया चैंपियन बनी थी, और चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया भारत लौटना चाहती थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो नहीं लौट पाए, और बेरिल नाम के चक्रवाती तूफान ने उन्हें बारबाडोस में ही घेर लिया और खेल खराब कर दिया, जिसके बाद अब टीम इंडिया की वापसी BCCI ने तय की है सुरभि, और चार्टर्ड प्लेन जो है वो भेजा गया है ताकि हमारे खिलाड़ी जो जीत चुके हैं, जिन्होंने भारत के इतिहास में एक बार फिर से अपना नाम जो है वो दर्ज कराया है, कहीं ना कहीं अब उनकी घर वापसी तय हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि बारबाडोस में जिस तरीके से मौसम खराब हुआ था तो उसके पीछे ये भी कारण बताया गया था कि किसी प्रकार से कहीं कोई विमान वहां से इस वक्त उड़ान नहीं भर सकती है, कई उड़ानों को रद्द भी कर दिया गया था, जिसके बाद ये फैसला BCCI की तरफ से लिया गया कि भारतीय जनता बहुत उत्सुकता के साथ में इंतजार कर रही है क्रिकेट टीम का, और उनका स्वागत करना चाहती है, उनका सत्कार करना चाहती है, जिसके लिए इस वक्त उनको बहुत जल्द वापस लाना और उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिम्मेदारी है BCCI की। तो BCCI ने तय किया कि अपनी तरफ से चार्टर्ड प्लेन भेजा जाएगा जिसमें इंडियन क्रिकेट टीम को भारत वापस लाया जाएगा, और आज का दिन तय किया गया है जब भारतीय टीम को एक बार फिर भारत वापस लाया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सुरभि कहीं ना कहीं जब हम क्रिकेट का जिक्र करते हैं, भारतीय खिलाड़ियों का जिक्र करते हैं, तो 29 तारीख वो ऐतिहासिक दिन जरूर याद आ जाता है, और जहन में कहीं ना कहीं उस दिन को सोचते हुए गूजबम्स अपने आप फील होता है कि 2007 के बाद आप सोचिए पूरे 17 साल बाद भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचा और T20 वर्ल्ड कप भारत ने अपने नाम किया। हालांकि इसका बेसब्री से इंतजार हर बार होता था कि शायद इस बार भारत बेहतर प्रदर्शन करे और शायद इस बार ट्रॉफी
भारत के नाम हो, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हो पाया। लगभग 17 साल इंतजार करने के बाद ये समय, ये इंतजार खत्म हुआ और भारत की जीत हुई। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने कप अपने नाम किया। कप्तानी जो है वो रोहित शर्मा करते नजर आए, और इस दौरान लेकिन भारतीय प्लेयर्स को पसंद करने वाले लोगों के लिए बड़ा जो झटका था वो ये था कि रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो या फिर रविंद्र जडेजा हो, इन तीन खिलाड़ियों ने T20 वर्ल्ड कप से संन्यास ले लिया। तो बिल्कुल, लेकिन देखिए पूजा, समझने की जरूरत ये भी इसमें हो जाती है कि T20 मात्र एक क्रिकेट का फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास जरूर लिया है, लेकिन अभी भी टेस्ट मैचेस और ओडीआई बाकी है, जिसमें कि बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद आम जनता की तरफ से जरूर की जाएगी, क्रिकेट फैंस की तरफ से जरूर की जाएगी। और अब T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने के बाद ये तीनों खिलाड़ी अपना प्रदर्शन ODI और टेस्ट में भी जरूर दिखाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए फिलहाल भारतीय खिलाड़ियों की घर वापसी हो रही है। अब देखना ये होगा कि जब वो वापस आएंगे तो किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा, किस तरह से एक बार फिर से जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। चले तो फिलहाल जो है खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। सुर्खियां अखबार के हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।